हजरत अला रजी अल्लाह ताला अनु ओहद की जंग में अपनी बहादुरी की वजह से जाने जाते हैं। जब भी हजरत अबू बकर ओहद की जंग के बारे में बात करते थे तो हमेशा कहते थे कि ये जंग हजरत अला की थी। अल्लाह ने हजरत अला को बेशुमार दौलत से नवाजा था, लेकिन इसके साथ अल्लाह ने हजरत अला को खर्च करने का जज्बा भी दिया था। एक शख्स पर 30,000 दिनार का कर्जा था, हजरत अला ने उसका पूरा कर्ज अदा किया। रसूल अल्लाह ने हजरत अला को फयाद की किताब से नवाजा था। हजरत अला ने जंगे ओहद में रसूल अल्लाह की हिफाजत की, यहाँ तक आपका पूरा सर जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद आपने कुफारों के इरादों को मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ हजरत अला उन सहाबाओं में से थे जिन्हें रसूल अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी थी। रसूल अल्लाह ने हजरत अला को शहीद अल हई बुलाया था, जिसका मतलब है वो शहीद जो जिंदा है।